गुड मॉर्निंग एस डी टी बी स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई वी एस क्लास. सो स्टूडेंट्स, इन टूडेज क्लास वी विल डू चैप्टर 18 डायरेक्शंस. सो डायरेक्शंस क्या होती हैं स्टूडेंट? दिशाएं. दिशाएं हमारी कौन सी हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. सो चार हमारी दिशाएं होती हैं. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो द फोर मेन डायरेक्शन टू लोकेट ए प्लेस. एक प्लेस को बताने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होती हैं डायरेक्शंस? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ आर द फोर मेन डायरेक्शंस. सो चार मेन डायरेक्शन होती है हमारी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. व्हेन वी फेस द सन एट सनराइज, जब हम सूर्य की तरफ फेस करते हैं, जब सूर्य उदय होता है, वी फेस ईस्ट, तो हमारा कौन सी दिशा की तरफ मुंह होता है? ईस्ट की तरफ. बिहाइंड अस इज द वेस्ट, और हमारे पीछे क्या होता है? वेस्ट. वेयर द सन सेट्स, और जहां पर सूर्य क्या है? छिपता है, अस्त होता है. टू आवर लेफ्ट, हमारे लेफ्ट में क्या है? नॉर्थ. एंड टू आवर राइट इज द साउथ. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, व्हाट लाइज टू द नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ योर हाउस. आपके घर के नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में क्या है? सो ये आपको खुद ही राइट करना है, सेल्फ आपको राइट करना है कि आपके घर के कौन सी डायरेक्शन में क्या है. नेक्स्ट देखिए, स्केच. स्केच क्या होता है स्टूडेंट्स? अ स्केच इज अ रफ ड्राइंग और मैप ऑफ अ प्लेस. किसी भी प्लेस की क्या होती है? रफ ड्राइंग और एक मैप जो हम बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? स्केच. नेक्स्ट इज लैंडमार्क्स एंड सिंबल. सो लैंडमार्क्स है और सिंबल्स क्या है स्टूडेंट्स? अ लैंडमार्क्स इज समथिंग दैट वी कैन सी क्लियरली फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड इट हेल्प्स अस टू नो वेयर वी आर. सो लैंडमार्क्स क्या होते हैं? जिससे हमें डिस्टेंस का पता लगता है कि हम कहाँ पर हैं, और उनकी हेल्प से क्या है, हम लैंडमार्क्स की हेल्प से हमें क्या पता लगता है कि हम उस टाइम पर कहाँ होते हैं. अ बैंक, मिल्क बूथ, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल एक्सेट्रा आर अ फ्यू इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स. सो ये सभी क्या हैं स्टूडेंट्स? महत्वपूर्ण लैंडमार्क्स हैं. बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ ऑल द लैंडमार्क्स इन द एरिया. बट क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में सभी लैंडमार्क्स को ड्रॉ करना डिफ़िकल्ट होता है. सो वी हैव टू यूज सम सिंबल्स फॉर लैंडमार्क्स. तो हम क्या यूज़ करते हैं? कुछ सिंबल, चिन्हों को हम यूज़ करते हैं. अ सिंबल इज़ अ साइन रिप्रेजेंटिंग अ लैंडमार्क. सो एक सिंबल क्या है, एक चिन्ह क्या है, किसे रिप्रेजेंट करता है? लैंडमार्क्स को. डिफरेंट लैंडमार्क्स हैव डिफरेंट सिंबल्स. सो जो डिफरेंट है मतलब अलग अलग तरह के लैंडमार्क्स हैं, उनके लिए हम डिफरेंट सिंबल्स यूज़ करते हैं. द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सिंबल इज कॉल्ड अ की. सो इसे हम क्या बुलाते हैं? की. सिंबल्स की, जो मतलब हम यूज़ कर रहे हैं किसके लिए? ATM, बैंक, मॉस्क्यू, हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल, हाउस, मिल्क बूथ, पार्क, पार्किंग, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, शॉप, टेम्पल एंड स्कूल. सो हम इन सभी सिंबल्स को यूज़ करते हैं. सो आप इस मैप में देखिए जो ड्रॉ किया हुआ है कि पार्क के लिए हम ट्री को यूज़ कर रहे हैं, सेक्टर के लिए, स्कूल प्लेग्राउंड के लिए, टेंपल. ओके स्टूडेंट्स, सो हॉस्पिटल के लिए ये सिंबल यूज़ कर रहे हैं. सो इस तरह से क्या है, ये हमारे क्या है? इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं. लुक एट द सिंबल्स गिवन अबव एंड ड्रॉ फॉर द फॉलोइंग लैंडमार्क्स. सो ये एक्टिविटी भी आपको खुद करनी है. सिनेमा हॉल के लिए क्या दिया गया है इसमें देखना है आपको. ये देखिए, सिनेमा हॉल के लिए ये लैंडमार्क्स दिया गया है सिंबल. सो इसे हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है. इसी तरह से हॉस्पिटल के लिए, पार्क के लिए और हाउस के लिए जो भी सिंबल्स दिए गए हैं उसे हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, लोकेटिंग ए प्लेस. किसी भी प्लेस की लोकेशन को बताना. लोकेटिंग प्लेस इज ऑन अ मैप. एक नक्शे में क्या है, हमें लोकेशन कैसे बताएंगे? अ मैप हेल्प्स टू लोकेट अ पर्टिकुलर प्लेस. सो मैप से हम क्या हेल्प होती है हमारी, किसी भी पर्टिकुलर एक प्लेस के बारे में, सिटी, स्टेट और कंट्री.
इट इज़ अ बिगर ड्राइंग मेड ऑन पेपर। सो ये क्या होती है, एक बड़ी ड्राइंग होती है जो हम क्या है पेपर पर बनाते हैं, बनी हुई होती है ये। देयर आर स्पेशल साइंस एंड सिम्बल्स ऑन अ मैप टू इंडिकेट ए प्लेस और अ थिंग। सो उस पर क्या होते हैं, स्पेशल साइंस बने होते हैं, सिम्बल्स होते हैं किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए। सिम्बल्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, डायरेक्शंस कैन ऑल्सो बी फाउंड ईजिली यूजिंग अ मैप। तो सिम्बल्स क्या है, पिक्चर के उसमें हो सकते हैं और डायरेक्शन के थ्रू क्या है हम उस मैप में उस प्लेस को ईजिली फाइंड कर सकते हैं। ऑन अ मैप द टॉप इज ऑलवेज नॉर्थ एंड द बॉटम इज साउथ। मैप में ऑलवेज क्या होता है, टॉप पर क्या होता है नॉर्थ साइड, नीचे क्या होती है साउथ। द राइट ऑफ द मैप इज ईस्ट, और उसके राइट साइड में क्या होती है ईस्ट, और लेफ्ट में क्या होती है वेस्ट साइड। ओके स्टूडेंट्स, वेयर इज द स्टेट यू लिव इन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ ऑफ इंडिया। सो स्टूडेंट्स हम कहाँ पर हैं अभी, हरियाणा स्टेट्स में। तो हरियाणा स्टेट कहाँ है इसके, नॉर्थ में। आगे है स्टूडेंट्स, लोकेटिंग ए प्लेस इन अ सिटी और कॉलोनी। एक सिटी और कॉलोनी में किसी प्लेस को हम लोकेट कैसे करेंगे, रोड मैप के थ्रू। अ रोड मैप हेल्प्स अस टू लोकेट अ प्लेस इन सिटी। सो एक शहर में क्या है, रोड मैप हमें हेल्प करता है किसी भी प्लेस को ढूंढने के लिए। इट शोज ऑल द रोड्स ऑफ अ सिटी। सो वो क्या शो करता है हमें, उस शहर के सभी रोड्स को हमें शो करता है। वी टेक द हेल्प ऑफ ए कॉलोनी मैप टू लोकेट एनी प्लेस इन द कॉलोनी। सो हम एक कॉलोनी में भी किसी भी प्लेस को फाइंड कर सकते हैं। इट इज़ यूजली एट द एंट्रेंस ऑफ द कॉलोनी। ये कहाँ होता है, किसी भी कॉलोनी के एंट्रेंस पर ये मैप लगा होता है। सो स्टूडेंट्स दोबारा से इस चैप्टर को अच्छे से आपको रीड आउट करना है, अंडरस्टैंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।